हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल खपतुर इज़ ए किंग। यहाँ पर मैं सारे खपतुर को छोड़ दिया हूँ गाइस, ये दाने के लिए वेट कर रहे हैं। इनको दाल ने भी डाल देंगे हमें अच्छे तरह से। गाइस, फैंटेल पेर को ये ले लेकाने के लिए सोच रहा हूँ, वो लेने के लिए पेट शॉप गया हूँ गाइस, और वहाँ पर अच्छे नहीं थे। और वो फैंसी कबूतर पालने वाले के पास भी गया हूँ गाइस, उनके सारे कबूतरों में पिजन आई इशू रहता है ना, वो प्रॉब्लम चल रही है। सीज़न बदला है ना गाइस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं। आप भी उसका ट्रीटमेंट क्या करना है कि देखेंगे हम। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है गाइस, उनके आई के इश्यूज़ है और पिजन फॉक्स है और माता वगैरह बोलते हैं ना उनको, वो सभी बीमारियाँ फैल रही है गाइस खपतरों में। माशाल्लाह हमारे खपतरों में सभी स्वस्थ तंदुरुस्ती है अभी तक, क्योंकि हम कुछ ना कुछ इनको एंटीबायोटिक वगैरह पहला ही देना है गाइस। वो जो बोलते रहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, को आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक दीजिए। वो जो रहता है ना अदरक लहसुन और टर्मरिक हल्दी रहता है ना, उनको अच्छी तरह पेस्ट बना के क्वांटिटी आप खपतरों के हिसाब के हिसाब से उनको वाटर में दे दीजिए। और आई का इशू है तो सिप्लक्स, यहाँ पर मैं फ़ोटो अटैच करता हूँ, सिप्लक्स में भी वेराइटी रहते हैं गाइस, सिप्लक्स डी यूज़ करता हूँ मैं, उनकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी रहती है, आप भी यूज़ कर सकते हो। और आपके दर्दों में वो जो रहते हैं ना नाफ्थलिन को गोलियाँ वगैरह भी रख सकते हो, नीम के पत्ते डाल सकते हो, कुछ ना कुछ कर दीजिए गाइस। आपके बीमारी आपके खपतरों में नहीं फैलने से पहले आप कुछ ना कुछ कर लीजिए। मैं बोला हूँ ना, मैं उना के पास गया हूँ, उना के खपतर इतनी बुरी हालत में है कि मैं बता नहीं सकता हूँ गैस। उनकी आई में सी वाटर बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है, उनके गर्दन बाजू को पूरा गीली हो चुकी है, बहुत ही गंदे है गैस उना के खपतर। उतना गंदा होने के बाद अभी उनको ट्रीटमेंट शुरू करा है, हम पहले ही ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट पहले देना है गाइस, इससे आपके खपतर भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। ये जो रहता है ना आई का इशू सारे खपतरों में नहीं आते हैं, जो जो उनके खानों को अच्छे तरह नहीं साफ़ सुथरा करते हैं, उनकी लफ्ट में इसकी प्रॉब्लम आती है गाइस। जो नए से शौक करने लगते हैं, एक दो खपतरों को ले लग जाके उनको सीधा दाना पानी करें, इसका एक ही बॉक्स में बंद कर रखते हैं सारा दिन, वैसे खपतरों में ये प्रॉब्लम आपको दिखने लगती है गाइस। वो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट रहते हैं कि बहुत सालों से पालते रहते हैं ना खपतरों को, उना के खपतरों में नहीं दिखता है। इसलिए आपके खपतरों में ये प्रॉब्लम आया है तो सिप्लक्स डी यूज़ करिए, उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है गैस। मैं ये खादा खपतरों को आया तो मैं ही वो यूज कर देता हूँ। आपको देखते ही उनका प्रॉब्लम पता चलता है, खपतरों के दो आँखों में से पानी बहता है गैस। इसको हमें इग्नोर करें तो बहुत ज़्यादा भी होता है, उनके आँखें बहुत बहुत बड़े बड़े सूज जाते हैं गाइस, आँख भी बंद होते हैं बाद में। थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो आपको इंटरेस्ट लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए गाइस। जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वो टॉपिक पर वीडियो बना देता हूँ। Thank you.